नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग यस बैंक लिमिटेड में एक भी शेयर होल्ड करते हो या फिर पैसे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कितने शेयर आप लोगों ने यस बैंक के होल्ड कर रखे हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यस बैंक के नेक्स्ट टारगेट के बारे में और कुछ न्यूज निकल के आ रही है यस बैंक में, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखा जाए अभी आज के दिन सबसे पहले परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यस बैंक के बारे में भी जो ये शेयर है अप्रोक्स 2.67% तक टूटता हुआ दिखाई दिया आज के दिन मार्केट में। 45 पैसे तक ये गिरावट आप लोग को मार्केट में देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में भी अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आज आप लोग को 400 पॉइंट की तेजी देखने के लिए मिली थी। उसके बावजूद भी आप लोग को यस बैंक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने के लिए मिली थी। और इसके अगर हम चार्ट पर भी ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं ये शेयर अपने रेजिस्टेंस अपने सपोर्ट के पास मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल के दिन ये शेयर यहाँ से आप लोग को अपसाइड की तरफ मूव करते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर दो टारगेट निकल के आ रहा है यस बैंक में जो आप लोग को देखना, जिन पे आप लोग को फोकस करना चाहिए। जो कि पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17 रुपये 90 पैसे का, यानी कि ऑलमोस्ट 18 रुपये तक आप लोग को ये टारगेट देख ये शेयर डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाएगा। और 18 के बाद जो दूसरा टारगेट बनता हुआ दिखाई देगा यस बैंक में वो रहेगा 18.40 पैसे का। तो अप्रोक्स अभी इस शेयर में अपसाइड की तरफ मोमेंट मोमेंट होती हुई देखने के लिए मिल रही है। और कोई इस शेयर में बड़ी मूवमेंट होती है तो उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, जो कि न्यूज़ के बारे में बात कर रहा था। तो यस बैंक सीज अप 30% अपसाइड इन द फाइनेंशियल स्टॉक। तो यस मिंट की जो देखा जाए ये मिंट की न्यूज थी कि जो यस बैंक के फाइनेंशियल स्टॉक्स है यस सिक्योरिटीज की जो फाइनेंशियल स्टॉक है मैं आप लोग को 30% की अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिल जाएगी। और ईयर एंड ईयर के बारे में बात करते हैं तो इस न्यूज़ के चलते कहीं ना कहीं यस बैंक में आप लोगों को तेजी डेफिनेटली देखने के लिए जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। और जो एक और 2 दिन पहले न्यूज़ निकल के आई थी यस बैंक 80 बॉन्ड्स को लेकर, सॉरी 81 बॉन्ड्स को लेकर, यस बैंक 81 बॉन्ड्स टेल्स द टेल ऑफ ब्रोकन फाइनेंशियल रेगुलेशन इन इंडिया। ये बेसिकली एक रिपोर्ट इन्होंने और निकाली थी, जैसे कि भी आप लोग पता है कि रिपोर्ट के बारे में बहुत चल रहा होगा। तो ये एक इनके बारे में एक रिपोर्ट थी कि जहाँ पे ये अपना स्टेक था या फिर अपना क्या बोलते हैं कैपिटल बेस था उसको बढ़ा रहे थे 81 बॉन्ड। और इसमें इतनी बड़ी कोई न्यूज़ इसमें आप लोगों को अभी यस बैंक में देखने के लिए नहीं मिली। यस बैंक में कोई भी न्यूज़ देखने के लिए मिलती है तो उसके ऊपर मैं शॉर्ट या फिर वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यस बैंक में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टारगेट आप लोग को ध्यान रखना है, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 17 रुपये 90 पैसे का और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो रहेगा 18 रुपये 18.40 पैसे का। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में जितना कुछ बताया वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।